नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर से लोकसभा सदस्य फारूक अब्दुल्ला कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। फारूक अब्दुल्ला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे और उनका पूरा परिवार क्वारंटीन हो गया है। उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को यह जानकारी दी और अपने पिता के संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, मेरे पिता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उनमें बीमारी के कुछ लक्षण भी हैं। उन्होंने कहा, हमारी जांच होने तक मैं और परिवार के अन्य सदस्य स्वयं को पृथकवास में रख रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में हमारे संपर्क में आए हर व्यक्ति से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील करता हूं। फारूक अब्दुल्ला के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में फारूक अब्दुल्ला के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की, साथ ही उन्होंने उमर और उनके परिवार के भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। फारूक अब्दुल्ला ने 2 मार्च को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। फारूक अब्दुल्ला को वैक्सीन लगने की जानकारी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी थी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने 2 मार्च को फारूक अब्दुल्ला का टीका लगवाते हुए फोटो ट्वीट किया था, साथ ही लिखा था, श्रीनगर के SKIMS पर डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को धन्यवाद कहता हूँ। आज मेरे 85 साल के पिता और माँ ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। मेरे पिता को कई सारी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, अगर उन्हें वैक्सीन लग सकती है तो आपको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 235 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 126 लोग ठीक भी हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से अब तक कुल 130,228 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 126,129 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कोविड 19 से 1,989 लोगों की मौत हुई है, जबकि अभी 2,110 लोगों का इलाज जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।